नरसिंहपुर के गाडर द्वारा में एनटीपीसी से प्रभावित किसानों ने कलेक्ट्रेट में खून बहाकर प्रदर्शन किया और मामले का निपटारा नहीं होने तक कलेक्ट्रेट में जमे रहने की बात कही है। आपको बता दें कि ये किसान स्थायी नौकरी की मांग को लेकर एनटीपीसी के सामने पिछले एक महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन पर देर रात पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, जिसके बाद इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। वहीं कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने भी इन किसानों को समर्थन दे दिया है। अब इन किसानों की मांग है कि जब तक उनके गिरफ्तार किए गए साथियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक कलेक्ट्रेट के सामने ही धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं जिला प्रशासन उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहा है।